ये 78 लाख जो इम्प्लाइज हैं इनको पुरानी पेंशन से कवर किया जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पूरे देश का हड़ताल हम करेंगे। वो तमाम लोग जो बिन बताए बिना किसी नोटिस के रातों रात निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उनके भविष्य की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए ही केकेसी बना हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर विनीत पुनिया जी, हमारे सहयोगी संजीव जी, और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा नेवली अपॉइंटेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया जी ने मुझे सहयोगी दिया है। अभी तक इंटक यूथ के चेयरमैन रहे, पूरे इंडिया के यूथ के इंटक मेन के सेक्रेटरी भी रहे, ये नेशनल वाइस चेयरमैन हैं, एक खबर यह है। और हमारे ये नेशनल स्पोक्स पर्सन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एम्प्लाइज कांग्रेस का, इसको हम शॉर्ट में केकेसी कहते हैं, कर्मचारी कामगार और कर्मचारी कांग्रेस केकेसी। हमारे हरियाणा के चेयरमैन हैं राकेश तंवर जी हैं। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य दो मुद्दे हैं। 28-29 मार्च को सारी ट्रेड यूनियन मिलकर के पूरे देश में ऑल इंडिया स्ट्राइक कर रही हैं, जिसके ऊपर ये हमारा जो प्रेस रिलीज है इसमें सारी हमारी मांगे हैं। इसमें प्रमुख मांगे हैं कि जो मिनिमम जो बेजेज है 21,000, उसको नो टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीएसयूज, उसके अलावा नई पेंशन हाइस्ट टू गो डिसकंटिन्यूड होना चाहिए, एश्योर्ड इनकम ऑफ 3,000 ये होना चाहिए, लेबर लॉज शुड बी स्क्रैप्ड, लेबर लॉज हैं इनको स्क्रैप किया जाना चाहिए, ये मेन हमारी डिमांड है। लेकिन एबव ऑल जो केकेसी की जो डिमांड है, इस देश में नई पेंशन स्कीम के तहत 78 लाख एम्प्लाइज हैं, और 2003 में जो नई पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है उसमें जुआ और सट्टा के माध्यम से उनकी पेंशन की पेंशन दी जाएगी, कोई एश्योर्ड इनकम नहीं है, जबकि एश्योर्ड इनकम मिनिमम एम्प्लाइज का 9,000 होना चाहिए। वो जो पैसा 10% एम्प्लाइज का, 14% गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसको म्यूचुअल फंड में शेयर्स में लगा करके कॉर्पस बना करके तब इनको पेंशन दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन जिसको बहाल किया है राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, और डीए लिंक्ड है वो, पूरे देश की जो आज आवाज़ है, पूरे देश के कर्मचारियों अधिकारी की आवाज़ है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, नई पेंशन जानी चाहिए। 2033 और 2035 में लाखों लोग, लगभग 5 लाख लोग रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के बाद में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मिलेगा। जिस तरह से जुआ बाजी हो रही है, जिस तरह से सट्टा हो रहा है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड का मिसमैनेजमेंट हो रहा, कहेंगे कार्पस में कोई आमदनी हुई नहीं तो पेंशन इनको कहाँ से दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये 78 लाख जो एम्प्लाइज हैं इनको पुरानी पेंशन से कवर किया जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पूरे देश का हड़ताल हम करेंगे, 78 लाख कर्मचारी अधिकारी। और इंटक इस देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, इस देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन इंटक है। भारत के लोगों को नहीं हो सकता है पता हो, उसकी अगुवाई में, वो भी कांग्रेस से अफिलेटेड है, उसकी अगुवाई में 28-29 मार्च को ऑल इंडिया स्ट्राइक है। कोल सेक्टर हो तो, पावर सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, बीएसएनएल है, ऑल आर ज्वाइनिंग एंड वी आर आल्सो ज्वाइन एंड कांग्रेस गिव्स फुल सपोर्ट। तो मैं, हमारा ये है कि जो नई पेंशन है वो खत्म की जानी चाहिए, ओल्ड पेंशन लागू किया जाना चाहिए, मिनिमम एश्योर्ड जब रिटायर्ड हो कर्मचारी तो उसका इनकम होना ही चाहिए, और जो 28-29
मार्च को ऑल इंडिया स्ट्राइक की जा रही है, जो उनकी डिमांड्स हैं उन डिमांड पर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, उन सारे सोच के ऊपर हमारे पार्टी का इन एग्रीमेंट है हम लोग। थैंक यू सो मच। सभी बेस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय गावा है और अभी परसों मुझे KKC में असंगठित कामगार कांग्रेस में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय उदित राज साहब ने नेशनल वाइस चेयरमैन का जिम्मेदारी दिया है। तो आज जो देश का माहौल है उसके ऊपर 28 और 29 तारीख को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर जो हड़ताल कर रही हैं, और उस सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो चेयरमैन वो INTUC इंटक है, वो भी कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुद्दे साहब ने तकरीबन बता दिए हैं। सबसे बड़ा देश की संपत्ति को जो एक के बाद एक कोड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो कोयला हो, आपके सामने सब बातें हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी पड़ी हुई वैकेंसियां हैं खाली उनको भरा जाए, उसके ऊपर एक मुद्दा है। इसके बाद जो सरकार एक सबसे बड़ा कानून अभी लेकर के आई थी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब आने वाले समय की जो नौकरियां हैं वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाएंगी, और उसको लाने का एक ही मकसद है कि सरकारी कंपनियां पक्की नौकरियों को ख़त्म करके जितने भी नए कर्मचारी होंगे उसे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम दिया जाए। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, एक के बाद एक नए जुमले देख करके सब मुद्दों को भटका दिया जाता है। तो आपके माध्यम से आज हमने ये अपने पॉइंट रखे हैं। इन्हीं बातों के साथ, समय का अभाव है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सबको एक साथ नमस्कार। मेरा सिर्फ 2 मुद्दों पे कहना है। पहले इम्पोर्टेंट कि लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है उसके आप सब नुमाइंदे और उसके आप सब रक्षक हैं। KKC वो संगठन है जिसमें हमारी पत्रकार फेटर्निटी भी आती है। वो तमाम लोग जो बिन बताए बिना किसी नोटिस के रातों रात निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उनके भविष्य की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए ही KKC बना हुआ है। बाकी बातों पर हम डिटेल में फुर्सत से बात करेंगे। इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।